गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में साइंस में फिजिक्स चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग आज देखते हैं औसत चाल और औसत वेग दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, यानी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक ना, आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। औसत चाल यानी एवरेज वेलोसिटी, स्पीड। एक एग्जांपल के साथ इसको शुरू करते हैं हम लोग, ठीक ना। मान लो कि ए बी दो पॉइंट है बच्चे, दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा, दूरी तो है ही। सपोज करो कोई पार्टिकल इस दूरी को कवर कर रहा है, उसका स्पीड रहा होगा, मान लो यहाँ C कर देते हैं, D कर देते हैं, E एंड F कर देते हैं, ठीक ना बाबू। मान लेते हैं A से C तक की दूरी जो है वह 10 मीटर कर देते हैं। अब उस पार्टिकल के द्वारा इस 10 मीटर दूरी को कवर करने में सपोज करो उसे, इसको S1 कर देते हैं, उसको टाइम लगा 2 सेकेंड। सी और डी के बीच की दूरी हम लोग मान लेते बच्चे 12 मीटर, S2 कर देते इसको, और इस 12 मीटर की दूरी को तय करने में सपोज करो उस पार्टिकल को लग गया बच्चे 3 सेकेंड, और अगला डी से ई तक के बीच की दूरी मान लेते बच्चे 10 मीटर है, और इस 10 मीटर को उस पार्टिकल के द्वारा तय करने में मान लो कि 2 सेकेंड लग गया। फिर अगला नेक्स्ट दूरी मान लो बच्चे इसको 15 मीटर मान लेते हैं, और 15 मीटर की दूरी को कवर करने में मान लो कि 5 सेकेंड का समय ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चे S5 जो है, मान लेते इसको 12 मीटर, और इस 12 मीटर की दूरी कवर करने में, ठीक ना बाबू, T5 है मान लो 4 सेकेंड का टाइम ले लिया, ठीक ना बाबू। इस तरह से वो जो पार्टिकल है बाबू वह ए से बी तक की डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब ए से बी तक की दूरी को तय करता है, ठीक है। मीन्स इसमें आप देख रहे होंगे, आपको कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा कि पार्टिकुलर डिस्टेंस को पार्टिकुलर टाइम में कवर किया है। अरे समय मीन्स देखो, यहाँ 10 मीटर को 2 सेकेंड में, 12 मीटर को 3 सेकेंड में, और 10 मीटर को 2 सेकेंड में, इस तरह से पार्टिकुलर डिस्टेंस को पार्टिकुलर टाइम में क्या करते बच्चे, वह कवर करते जाता है। इस तरह से टोटल डिस्टेंस पूरी तरह से कवर हो जाता है। अरे समय तो इस तरह से अगर डिस्टेंस कवर किया जाता है, यानी किसी वस्तु द्वारा, किसी पार्टिकल के द्वारा पार्टिकुलर डिस्टेंस को पार्टिकुलर टाइम में, पार्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करते हैं, पूरा डिस्टेंस को कवर किया जाता है, ठीक ना बाबू। तो इसी को कहा जाता है बच्चे एवरेज स्पीड कहा जाता है, ठीक ना बाबू। और एवरेज स्पीड जो होता है बच्चे वह स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स अदिश राशि होता है, ठीक ना बाबू। जैसे देखो, तो इसको हम लिखेंगे औसत चाल बराबर, ठीक ना बाबू। ऐसे भी हमें पता है बाबू कि चाल बराबर होता है बच्चे दूरी बटा समय होता है, यही ना होता है बाबू, दूरी बटा समय। तो दूरी देखो बाबू, टोटल दूरी अरे समय, अब इस दूरी को कवर करने में लगा कुल समय का जो रेशियो होता है बच्चे, वही कहलाता है औसत चाल होता है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, यहां करते बच्चे कुल तय की गई दूरी टू द दूरी को तय करने में लगा समय, या लिख देते बच्चे कुल समय,
ठीक बाबू, कहा जाता है औसत चाल कहा जाता है, ठीक बाबू, यानी टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, ठीक बाबू। अब ये जो एवरेज स्पीड जो होता है बच्चे, ठीक ना, ये होता है बाबू स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होगा बाबू, ठीक ना बाबू, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, स्क्रैच करते हैं। हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का, यानी औसत वेग देखते हैं बच्चे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बाबू। चलो देखते बच्चे एग्जाम्पल इसका भी लेते पहले, ए बी बाबू, यहां इसको जो हम बताए थे, ठीक ना, यहां जो एक्सीलरेशन था ना, वह एक्सीलरेशन बाहरी कर रहा था, एक्सीलरेशन जो था बच्चे, क्योंकि पार्टिकल का स्पीड का इंक्रीमेंट होना या फिर उसका घटना, ठीक ना बाबू, ड्यू टू एक फैक्टर होता है बच्चे एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन अगर इंक्रीज करेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यानी एक्सीलरेशन अगर वैरी करेगा बाबू, तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो वह वैरी करेगा बाबू, यानी एक्सीलरेशन चेंज करेगा वेलोसिटी या फिर स्पीड, या फिर एवरेज स्पीड बात करो या फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करो, कुल मिलाकर अगर मोशन की बात करें बच्चे, इस सब मोशन के अंदर में आता है, ठीक ना, कुल मिलाकर मोशन जो चेंज होगा बाबू, वह एक्सीलरेशन चेंज करेगा तो मोशन भी चेंज करेगा, ठीक ना। तो एवरेज में हम देखे थे बच्चे कि एक्सीलरेशन जो था बच्चे वह कांस्टेंट नहीं था, जिसके कारण जो उसका जो स्पीड था वह वैरी किया था, ठीक है। और यहाँ औसत वेग की बात करें तो यहाँ जो एक्सीलरेशन जो होता है बच्चे, मीन्स त्वरण जो होता है बाबू, वह नियत होता है, मीन्स एक समान। चलो पहले इसको लेते हैं बच्चे, यहाँ देखो औसत वेग की बात करें तो अगर इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, तो इस पॉइंट मान लो कि पार्टिकल जो है यहाँ से शुरू होता है, ट्रेवल करना शुरू करता है, तो इस पॉइंट पर भी उस पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा एक ही रहेगा, इस पॉइंट पर निकालोगे तो यहाँ पर भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा बाबू वह एक ही रहेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है ना बाबू या कांस्टेंट है। अरे बस में अब एक्सीलरेशन बाहरी नहीं कर रहा है, मीन्स त्वरण जो है बाबू, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज करेगा, अरे कि नहीं समझ में, ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी आप कंसीडर करो बच्चे, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए कि इसका एवरेज जो निकालेंगे हम लोग, ठीक ना बाबू, इसका जो एवरेज निकालेंगे ये होता है बच्चे एवरेज वेलोसिटी जो होता है बच्चे, एवरेज वेलोसिटी जो होता है बच्चे, ठीक ना, प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग टू द टू होता है। एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन कैसा बच्चे, यूनिफॉर्म है, ठीक बाबू, यानी यूनिफॉर्म है, एक समान त्वरण से चल रहा है बाबू, ठीक है। जब एक समान त्वरण बच्चे, तो हर पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालोगे बाबू तो इक्वल होगा, तो उस केस में यदि हम एवरेज निकालते हैं बच्चे, तो ठीक है, दो पॉइंट कहीं पर भी निकालो बच्चे वहीं आएगा वैल्यू, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी टू द टू, क्योंकि एवरेज निकालने का एक ए भी तरीका होता है, और यहाँ जो निकाला गया है ए भी एवरेज ही कहलाता है, ठीक ना बाबू, क्योंकि एवरेज अगर निकालते हैं ऐसे जनरली आप मैथमेटिक्स में आपने
पढ़ ही जानते होंगे, ठीक है, कि टोटल, ठीक ना, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज, ठीक ना, जो कि रेशियो को बताता है, यानी टोटल सम जो होता है क्वांटिटी का, सबको आप ऐड करो और उस क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी से आप डिवाइड करो, ठीक ना बाबू, तो वहाँ मिलेगा बच्चे एवरेज मिलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है बच्चे, दो ठो है, एक इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ करके यानी यू प्लस वी बटे में टू, ठीक ना बाबू, ये निकल गया बाबू एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है होता है बच्चे क्या, वेक्टर क्वांटिटी होता है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना बाबू, औसत वेग जो होता है बच्चे या वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि होता है बाबू, सदिश राशि होता है बच्चे, ठीक ना बाबू, जबकि ई जो होता है बच्चे स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होता है, ठीक ना बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना बाबू, कुछ न्यूमेरिकल, छोटा छोटा जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला देखते हैं, ठीक ना बाबू, तो एक फार्मूला होता है बच्चे वी इक्वल टू यू प्लस में ए टी होता है बच्चे, ठीक ना, यहाँ वी जो है बच्चे वी जो है या इनिशियल वेलोसिटी है, यानी एक काम करते हैं यू कर देते हैं, यू इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, और भी जो है बच्चे फाइनल वेलोसिटी यानी ई हो जाएगा बच्चे अंतिम वेग, एस जो होगा बाबू या डिस्टेंस होगा, मीन दूरी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, टाइम को, ठीक ना बाबू, टाइम को समय यानी टाइम ही रखेगा, टी को टाइम से यानी समय से, और ए एक्सलेशन त्वरण, और इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं इसको प्रूव करते हैं, ठीक ठीक ना, थोड़ा सा है, दो मिनट लगे, देख लेते हैं कैसा आया, ठीक है बाबू, हम लोग देखे थे बच्चे त्वरण, त्वरण बराबर हम देखे थे बच्चे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन टू द समय, वेग में परिवर्तन टू द समय, अब वेग में परिवर्तन होकर वेग ही मिलेगा, तो वेग में परिवर्तन हम एग्जांपल दिए थे, मान लो बच्चे किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है बच्चे, ठीक ना, भी जो है या 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हुआ, ठीक ना, यानी परिवर्तन, परिवर्तन किस में बाबू, वेग में, वेग में परिवर्तन यानी 60 माइनस में 20 घटा देंगे मीटर प्रति सेकंड, ही ना परिवर्तन हुआ बाबू, यानी 60 कहे तो बच्चे फाइनल वेलोसिटी हुआ माइनस में इनिशियल वेलोसिटी हुआ, अरे समय यही तो हुआ ना बाबू, वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन मीन्स होगा बच्चे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगा बाबू, बटे में समय हो जाएगा बच्चे। अब त्वरण को हम ए से सूचित करेंगे बाबू, देखो यहाँ पर ए हो गया, ठीक बाबू, अब ए बराबर अंतिम वेग मतलब भी हो गया, प्रारंभिक वेग मतलब यू हो गया,
और समय मतलब टी हो गया, बटे में वन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाबू, तो वी माइनस यू इजकल टू में हो जाएगा बच्चे ए टी, देन वी बराबर यू प्लस में हो गया बाबू ए टी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बाबू। दूसरा देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो सेकंड देखते हैं बच्चे, चल देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, है ना बाबू। ठीक है, देखते हैं कोई पार्टिकल जो है बच्चे, ठीक ना, वाट टी टाइम में, ठीक ना, यू वेलोसिटी से वाट टी टाइम में एस मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ देखते हैं उसका उसका मैंने उस पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक ना बाबू, यानी वस्तु का दूरी बराबर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत है नहीं, बस एक नज़र आप लोग देख लो समझ लो, दूरी बराबर हो जाता बच्चे चाल यानी औसत, औसत में गुने में समय। ठीक बाबू, कोई पार्टिकल जो है बच्चे एक समान त्वरण से, ठीक ना, इनिशियल वेलोसिटी यू से टी सेकेंड में एस दूरी तय करता है, इसलिए उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होगा बाबू, दूरी बराबर औसत वेग गुना समय हो गया। अब औसत वेग को लिख सकते बच्चे, ठीक ना, वेग की बात करें तो यू प्लस वी बटे में टू हो जाएगा बाबू, और समय का हो जाएगा बच्चे टी हो जाएगा बाबू। अब यहाँ बच्चे इसको मल्टीपल कर देंगे, यू प्लस यहाँ देखो वी का मान रखते बच्चे, वी बराबर होता बच्चे यू प्लस में ए टी, ई वाला वी होता बाबू, और सबका बटा टू हो गया इंटू में टी हो गया, चूँकि यहाँ वी बराबर यू प्लस में ए टी होता है बच्चे, है ना बाबू। यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ई हो जाएगा टू यू हो जाएगा, ई होगा बाबू ए टी बटे में टू इंटू में टाइम होगा बच्चे, इसको मल्टीपल करेंगे तो टू यू टी होगा, और ई ए टी स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और सबका बटा टू होगा, और दूरी दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाबू एस से, देन होगा बच्चे, चलो देन हो जाएगा बाबू, यहाँ कर देते बाबू एस बराबर, देखो टू है ना, ई दोनों का बटा है, यानी टू यू टी बटा टू प्लस में ए टी स्क्वायर बटा टू, ये कैंसिल हो गया, देन होगा बाबू यू टी प्लस में हाफ बच गया, और ई ए टी स्क्वायर हो गया, ये एस बराबर निकल कर आ जाता। तो इसको याद करना बच्चे, फॉर्मूला जो लिखे हुए थे फॉर्मूला याद करना। ठीक है बाबू, फिर हम लोग मिलते हैं अगला लेक्चर में, ठीक है, ओके, थैंक यू।